हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। ये शपथ वीरवार को भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने काजा में कर्मचारियों को दिलाई। डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई विद्वानों ने मिलकर भारतीय संविधान तैयार किया था। इसमें कई देशों के संविधान में वर्णित बातों को समाहित किया गया है। आज के दिन साल 1949 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश पर लागू किया गया। इसके बाद जिला स्तरीय कल्याण समिति के तहत गृह निर्माण अनुदान योजना की बैठक की गई। इस दौरान पात्र लोगों का चयन किया गया। इसमें एसटी के 26 और एससी के 6 पात्र व्यक्ति चयनित हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत सगनम का चयन किया गया। इन्हें 10 लाख रूपये विकास कार्य करवाने के लिए दिए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि कोविड के चलते बैठक नहीं हो पा रही थी, इस वजह से पात्र चयनित करने में देरी हुई है। इस बार 1.5 लाख की सहायता राशि पात्र व्यक्तियों को दी जाएगी। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नए विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्म प्रतीत करते हैं। आज काजा में वेलफेयर कमेटी का मीटिंग किया गया, जिसमें हमारे सारे अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य तौर पे इसके मीटिंग का जो मुख्य उचित जो बिंदु था कि हमारे जो वेलफेयर जो हम हाउसिंग देते हैं लोगों को नए भवन निर्माण के लिए, उसमें आज शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 26 हाउसिंग जो है सेंक्शन की है और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हमने 6 हाउसिंग सेंक्शन की है। यह हाउसिंग जो है मेरिट के आधार पर होता है कि जिन लोगों ने 10 साल से जिनको भवन नहीं मिला निर्माण के लिए, और 1.5 लाख रुपये हर हाउसिंग के लिए हमने पैसे स्वीकृत किए हैं। और ये हाउसिंग इस साल जो हमारा थोड़ा कोविड के चलते काजा में हमारे जो कोविड के जो लॉकडाउन लगाए गए थे, उस कारण मैं समय पर यह नहीं आ पाया और ये सारी स्वीकृति हमने आज दे दिया है। और संभवतः अगले साल हमारा ये जून से पहले सारे भवन बनेंगे। और हमने इसमें एक बड़ा क्लियर बात किया है कि हर भवन में जो है उसमें जो है बजट दिया गया, कितना पैसा दिया गया, और वहाँ पर जो है एक बोर्ड लगाया जाएगा व्यक्ति के नाम से और किस विभाग के नाम से माध्यम से पैसे दिया गया है। उसमें फोटोग्राफी करके हम टैगिंग भी करेंगे, जियो टैगिंग करके, ताकि भवन का फोटोग्राफी हमारे रिकॉर्ड में रहे और आने वाले समय में स्पीति के लिए एक नया मॉडल तैयार हो। इस तरह से हम काम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो है स्पीति की हमारी एक बहुत पुरानी एक डिमांड, जो पुरानी हमारी समस्या जो रोंग टोंग जो प्रोजेक्ट बना है जो बिजली बोर्ड का, उसका जो इंटेक काफ़ी सालों से फटा हुआ था, क्योंकि पानी की समस्या हो गई थी। वो पानी जो है हर साल पानी गर्मियों पानी बढ़ता था, सिल्ट की प्रॉब्लम, और जो हमारा इंटेक में पानी नहीं पहुंचता था और मशीनें चारों खराब पड़ी थी। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 3 मशीन जो है तीनों ठीक करके चार मशीन ठीक हालत में, तीनों वर्किंग कंडीशन में है। और मैंने आज इसके लिए पैसे अपने इंटेक के लिए जो वहाँ बढ़ना था उसका मुआयना किया कि पानी जो है कम है, पानी बहुत कम हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुका है स्पीति के अंदर, माइनस टेम्परेचर है। उसके चलते जो है हमारा आज एक ही मशीन चल रहा था। और आज अपने हमारे एडीएम साहबान जो हमारे सारे अधिकारी मुआयना करने मेरे साथ किए थे, हम जानना चाहते थे कि क्या पानी कितना कम हो गया, कि पानी बिजली जो है अभी ठीक है हमारा जो है स्पीति से, जो बिजली का डोंग टोंग से बिजली पानी के माध्यम से जो डोंग टोंग मशीन जो है एक मशीन चला रहे हैं उसमें सुबह से लेकर 9 बजे से रात को 9 बजे तक हमारा जो है रॉन्ग टोंग चलता है। और जो पीन वैली का एरिया है उसको हमने लिंक की जो प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट से चलाया जा रहा है। रात को जो है 9 बजे से लेकर सुबह तक जो है हमारा किन्नौर का बिजली से हम लोगों स्पीति वालों को बिजली दे रहे हैं।